अफगानिस्तान ईरान वगैरह बड़ी खिच तू कर दे पता नहीं किन्ने पैसे पर महंगा इना की मैं कल ने खाना खादा मेरा सत श्री अकाल दोस्तों स्वागत कर दें नवे दिन नवी वीडियो अरमाज नू बाय बाय। मैं इस टाइम खुजंद सिटी के मैं आए नू दो तीन दिन हो गए मैंने इतने मैं कोई वीडियो नहीं बनाई अफगानिस्तान तो मैं वापस आ गया सीगा दुशांबे सीगा एक दो दिन फिर इतने कल आया सी इतने तक अज मैं एक दिन के अंदर तीन देश क्रॉस करूंगा। फ्लाइट बहुत महंगी मिल रही 4500 की फ्लाइट 20,000 की होगी किसी भी डेट की नहीं बची। मैं जाना अजरबैजान पहला मैं सोचा यार फिर कुछ अलग कर दें अज इतों जाऊँगा मैं ताशकंद 170 किलोमीटर दूर है उज़्बेकिस्तान की कैपिटल मैं इस टाइम खुजंद सिटी तजाकिस्तान के उस तो अगे फिर मैं जाऊँगा शिमकेंट एक दिन के अंदर तीन देश क्रॉस करा उज़्बेक बॉर्डर तो क्रॉस करके ताशकंद जावे सारा कुछ तुम्हें दिखावे एक दिन के अंदर तीन देश किमें क्रॉस कर लिया टैक्सी स्टैंड बी लिया है पिछले दो आंटी करी इन्होंने भी जाना तो बी कहना तुम कट्ठे ही कर लियो ज्यादा फायदा हो जाएगा थोड़े पैसे बचोगे चलो मेरा बैग फट गया यार बैग भी मैंने लैना छोटे वाला ना 2 अगस्त है मेरे को कितो अगो जाऊगी कुदा टैक्सी ना फर्क नी पैना टूरिस्ट है दो कहने ना ना जिन्हें असि दवांगे उन्नी इतो दवांगे वधिया सी अड़ गई मेरे लिए अस्सलाम वालेकुम बॉर्डर 24 घंटे खुला रहता बाकी बॉर्डर का मैं पता नहीं है शायद कोई कई बॉर्डर इदा भी होने जो सवेरे खुलते हैं पर बॉर्डर 24 घंटे खुला रहता क्योंकि इतने बहुत सारे ट्रक जाते हैं कल रात मैं टैक्सी वाले पूछा कहना दिन रात चलती है शेयरिंग टैक्सियां भी दिन रात जाती हैं पर फिलहाल अभी 3 जने इस टैक्सी शायद 1-2 जने होर आ जाएंगे लैके जाऊगा 4000 माने लगेगा 4000 माने हो गए 300 मतलब खुजंद तो बॉर्डर तक के 300 शायद इन्नी 200-300 अगे लगन ताशकंद भुख भी बहुत लग गई है ताशकंद इंडियन रेस्टोरेंट है ज्यादा ताशकंद जा खाऊंगा ताशकंद के नाल ही बॉर्डर आ कजाकिस्तान का फिर जहाँ तो फिर शिमकंड जा गया क्योंकि शिमकंड भी इंडियन रेस्टोरेंट है अगर कुछ 11 बजे हो गए शाम को देखते हैं कदों तक पहुंचे और किन्ने घंटे आप तीन देश क्रॉस कर पाने कजाकिस्तान 1, उज़्बेकिस्तान 2 तीजा होगा कजाकिस्तान ये सारे देशों मैं पहले जा चुका कजाकिस्तान से मेरी 2nd एंट्री आ उज़्बेकिस्तान से मेरी 3rd एंट्री होगी और कजाकिस्तान से मेरी 2nd एंट्री होगी लेकिन देश काउंट नहीं होंगे इदा का मतलब कोई बंदा 100 बार दुबई जाऊगा तो 100 देश नहीं हो जाएंगे तो जहाँ रशिया मैं 4 बार गया तो 1 ही काउंट होगा दुनिया से जिन्हें भी 195, 197 कई 193 मानते हैं तो जिन्हें भी देश है एक देश 10 बार जाओ काउंट 1 बार ही होगा। मैं टैक्सियों की लाइन लगी हुई है अगे पिछे तो कोई सीन नहीं है जिदे पहला सवारियां बैठ गई वाल ही बैठन लग जाए आ भाई भी आ खड़ गया पिछे भी उन्होंने ला रखी क्या फोटो खिंचनी है मैं खिंचो माहौल बिलकुल अपने हो गया कि भाई यार रखी यार थोड़ा समान रख लेंगे देशों के थोड़ा माहौल अपने वर्गा मैं पहला कहना हूं कई किताबा कहंदी ने कि साढ़े लोग बहुत पुराने वोल्गा नदी के कंढे तो उठ के आए हैं शायद वो गल मैं सच नजर आती है रशियन जिन्नी भी एक्सोवियत कंट्रीज ने लोगों का सुभाव बिल्कुल अपने वर्गा मतलब यार दोस्त बन गए सारा दिन वेले रहेंगे गल्लां बातें करते रहेंगे लै जाएंगे अपने वाला माहौल बिजी नहीं है बहुत लोग आपका काम कह देंगे आ गया बॉर्डर ते उज़्बेक बॉर्डर आ इधर तजाकिस्तान वाले पासे ने मेरा पासपोर्ट देखा कहना अफगानिस्तान का वीजा बंदा हैरान हो गया सोचो अमरीका वर्गे इन्होंने देशों को कितनी प्रॉब्लम होगी अफगानिस्तान ईरान वगैरह देशों तो खैर मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा हुण बॉर्डर क्रॉस करना फिर उस तो बाद मिलदा बंदा हैरान होगा थोड़ी देर देखेगा अफगानिस्तान वीजे नूं सारे ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं सारे उज़्बेकिस्तान ताशकंद जाने वाले आ किर्गिस्तान तो आ रहे हैं कई इत्थे समान लोड करके दूजे ट्रकों च पा के जा दिंदे आ कई सेम ही मतलब ट्रक चले जाते टप्पया मैं उज़्बेकिस्तान च एंट्री हो गई है 3री बार उज़्बेकिस्तान एंट्री हुई है इतों कोई टैक्सी वगैरह
ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੋਲਕਾ ਸੋਮ ਸਕੋਲਕਾ ਤਸ਼ਕੈਂਟ ਤਸ਼ਕੈਂਟ ਨੋ 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 ਦੁਆ ਦਾ 20,000 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਸ਼ਕੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਔਰ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਬੱਸ 68 ਨੰਬਰ 55 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਤਸ਼ਕੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਾਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਊ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੀਆਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲਾਈ ਦਊ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ। ਤੁਰ ਤਾਂ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸ਼ਕੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 68 ਨੰਬਰ 112 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, 55 ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਸਿਟੀ 1400 ਹੁੰਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 2021 ਜਦੋਂ, ਆਹ ਕਾਰਡ ਕੁਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਦੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਓ ਯੂਨੀਅਨ ਪੇ ਕਾਰਡ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੂਡ ਸਿਟੀ ਆ ਬਈ, ਔਰ ਫੂਡ ਸਿਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ, ਨਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਫੂਡ ਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਤਸ਼ਕੰਦ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਦੇਸ਼, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੁਣ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਾ, ਆਮ ਤੋਂ ਐਗਜੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਛੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਲੋਕਲ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਸਭ ਹੁਣ ਚੱਲੀਆਂ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਮਕੋਰ ਬੈਂਕ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਨਕੁਰ ਭਾਈ ਜੀ ਸਮਰਕੰਦ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਾਮਕੋਰ ਬੈਂਕ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੈਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਿਮਕੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤਸ਼ਕੈਂਟ ਮੈਟਰੋ ਆ, ਫੜ ਕੇ ਨੀਲੀ ਲਾਈਨ, ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਮੈਟਰੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਲਊਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਲਊਗੀ, 10 ਰੁਪਏ ਮੈਟਰੋ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਮੈਟਰੋ ਲਾਸਟ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਰਕੰਡ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਦਾ ਹੋਸਟ ਆ, ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ 10 'ਚੋਂ ਮੈਂ 7 ਨੰਬਰ ਦਊਂਗਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ 900 ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ। ਚਲੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਘੜੇ ਸਿਰਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਓਏਬੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰਾ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿਰਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਦੇਖਿਓ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਇਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ, ਬਸ ਯੂਨਸਾਬਾਦ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਨਸਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਟੈਕਸੀ ਪਲੱਸ ਮਸ਼ਰੂਤਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਜਾਣੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਮਕੰਡ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਕਕਜ਼ਾਬੂਤ ਬਰਾਤ, ਕਕਜ਼ਾਬੂਤ ਮੁਕਰੁਦੀਨ ਅਲਵੀ ਜਾਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਸ਼ਰੂਤਕਾ ਤੋਂ ਦਾ ਓਕੇ। ਸੋ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਤਕਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਬਾਈ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਨਸਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਯੂਨਸਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਝਿਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਕੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ 200-300 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ, 5000 ਲਊਗਾ, 5000 ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ, ਬੱਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 1400-10 ਰੁਪਏ, ਹੋਊਗਾ 7-5-35 ਰੁਪਏ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 180 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 6-7 ਦਿਨ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, 4-5 ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਗਤ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼ਿਮਕੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਸ਼ਰੂਤਕਾ ਦਾ, ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਰੂਤਕਾ ਦੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 500 ਕਿਹਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਿਮਕੰਟ।
1000 च गल निबड़ी बी मशरूत का 1000 हो गए मतलब इंडिया के 180-185 रुपए हो गए। ठीक है यार 100-150 किलोमीटर जाने लिए 2 घंटे तो लाऊगा ही लाऊगा बुरे तो बुरे 2-2.5 घंटे टाइम होया 7:15 होया मैं लगभग 7 घंटे 3 देश क्रॉस कर ले पाकिस्तान फिर उज़्बेकिस्तान ते हुण कज़ाकिस्तान जी देश दे विच मैं पहुंच गया 7 घंटे दे विच विच पहुंच गया मैं शिमकेंट थी मेरी फ्लाइट आई सी दिल्ली तो कि मैं 46 दी फ्लाइट लई सी ऐसी क्योंकि फ्लाइट बहुत सस्ती थी मैं किसी होर सिटी भी आ सकते अलमाटी वगैरह काफी महंगी थी पहला मेरा अलमाटी का प्लान था अलमाटी की फ्लाइट कुछ 25,000 की थी तो फिर मेरा प्लान था ताशकंद तो बाकू लई फ्लाइट लैंड का जिड़ी की 4500 की मिल रही थी अगर ना मिल रही होंगी डायरेक्टली मैंने 20,000 दिखाई मैं तभी लैंदा पर यार जो मैं लैनी सी फ्लाइट वो भी 20,000 की किसी भी डेट की अवेलेबल नहीं फिर यार मैं जो तुम कोई चीज़ देखी हो 4500 की वह 20,000 की लैनी पवे तो इदा लगता यार बहुत ज्यादा हो गया करके मैं सोचा मैं इतने आना मेरे मैं थोड़ा जहाँ अखताऊ रीजन वगैरह से जाना सी एक ट्रेन कल जाऊगी बदल के मैं एक ट्रेन होर फड़ूंगा 1.5-2 दिन के मैं अखताऊ सिटी पहुँच जाऊँगा उतों कहें भी एक शिप चलती है हालांकि 10-12,000 तो मेरा खर्चा फिर भी हो जूगा पर यह कि नाले नाले मैं थोड़ा घूम लूँगा इतों एक होस्टल जा रहा मैं होस्टल पता नहीं यार जिहड़ा मैं पिछली बार लिया से थोड़ा दूर है इतों एक होस्टल दिखा रहा कुछ 15-18 मिनट का रस्ता तुर के जाके देखदा जे बनी गल तो ठीक है नहीं तो फिर उतो टैक्सी या बस फड़ के जोड़े पुराने होस्टल रुके उ जाऊँगा वो थोड़ा दूर है यार ऑलमोस्ट इतों शिमकेंट प्लाजा 1 किलोमीटर जिथे मैं जा रहा उतों भी शिमकेंट प्लाजा 1.5 किलोमीटर कजाकिस्तान इकोनमी वाइज काफ़ी चंगा तो देखने भी काफ़ी वधिया पता लगता भी हाँ भाई चंगा आया बाकी सारे देशों नालों रशिया तो बाद जो सब तो अच्छी इकोनमी एक्स सोवियत कंट्रियां दी हैगी है तो कजाकिस्तान ही है बई हाला भी बत्ती अपनी हरी होण दिओ बस भी खैर आउंदी होगी पर मैं किहड़ा उड़ीकू यार 9 बज गए 9 बजे इत्थे बसां बुसां बंद हो जांदियां शाम नूं तो तुर के भी कोई चक्कर नहीं गा बहुत डिफरेंट लग रहा बई है ना देखो सारे सोवियत कंट्रियां एक दूजे नालों वख होईयां पर बई बहुत फर्क आ हर कंट्री दे विच ना माहौल दा फर्क हैगा जिहड़ा उज़्बेकिस्तान उहदी इकोनमी इन्नी स्ट्रोंग नहीं हैगी कज़ाकिस्तान दी उस तों भी ज़्यादा खराब आ पर इहदी इकोनमी काफ़ी ठीक आ तां करके अखां नूं मतलब जिहड़े प्रबंध कीते होए ना काफ़ी वधिया लगदे आ बाकी उज़्बेकिस्तान दे जिहड़े मैट्रो स्टेशन आ बई उह बहुत वधिया ने रॉयल टाइप थोड़े बनाए हुए ने इदां दे मैट्रो स्टेशन बहुत घट ही हुंदे पहुंच गया मैं शिमकेंट आपदे होस्टल च इह मेरा होस्टल आ आ पिछे बाई आ व्हाट्स योर नेम ककसाबुत माय नेम इज बेकरस बेकरस सो बेकरस भाईया ने भाई ने मेरा पे करता सी मेरे को खुले पैसे नहीं सी फिर मैं खुले करा के लिया के देते ते आज आप एक दिन दे विच 3 देश पार कर ले कह लो कुछ भी कह लो मतलब कि ताजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ते किन्ने घंटे च सिर्फ 8-9 घंटे दे विच मैं आपदे होस्टल पहुँच गया होस्टल तो चल के होस्टल पहुँच गया कोई मैं बस मतलब स्पैशल टैक्सी नहीं कराई कुछ नहीं कराई फुली पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक भी मैं इदा का कोई स्पैशल टैक्सी नहीं ली उतों मैं पब्लिक टैक्सी फड़ी 20 सुमानी की फिर एक पब्लिक टैक्सी फड़ी बॉर्डर तक की उज़्बेक की फिर उज़्बेकिस्तान आ गया उज़्बेकिस्तान तो मैं बस फड़ी टैक्सी नहीं फड़ी टैक्सी भी आ रही थी बस फड़ी और बस बाई ने पुलिस वाले ने फ्री च कराती मेरी वो कहें यार पैसे ना लई बस वाले कहता सी क्योंकि बस सीटा है नहीं सगिया तो वह कहें बह जा मतलब जिते सीट मिलती है बह जा मैं पौड़ियाँ तो उत्ते बह गया वधिया सीगा थले मैट लग्या सीगा सुत्ता आया मैं तो उज़्बेकिस्तान ताशकंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फड़ के मिनी बस फड़ के पहुंचा इंडियन रेस्टोरेंट उत्थे खाना खादा पैक करवाया फिर मैट्रो फड़ के पहुंचा मैट्रो स्टेशन फिर उत्थे एक मशरूतका फड़ी मिनी बस वो फड़ के पहुंचा बॉर्डर बॉर्डर तो बाद फिर कजाकिस्तान एंटर किया कजाकिस्तान तो बाद फिर उत्थे एक मिनी बस फड़ी मिनी बस मशरूतका फड़ के पहुंचा मैं शिमकेंट और इतों 1 किलोमीटर तुर के मैं इस होस्टल आ गया इसलिए मैं पे किए 2000 टेंगे हो गए जी लगभग 380 इंडियन रुपीज़ ये 12 घंटे के चार्जिज़ आ 24 घंटे के है कुछ 500 के नेड़े तेड़े पर मैं 24 घंटे रहना ही नहीं 10 बज चुके हूँ सवेरे 12 बजे तो मेरी ट्रेन आ तो मैं इतों लगभग 10-10:30 बजे निकलूँगा 10:15 बजे मेरा चैक इन होया 10:15 बजे चैकआउट आ अगर तुम मैंने इंस्टाग्राम से फॉलो नहीं कर लिया थले मेरी इंस्टाग्राम आई डी लिखी आ रही है ऑफिशियल नवदीप ब्रॉड फॉलो कर सकते हो चंगा जी सत श्री अकाल रब राखा मिलते हैं अगली वीडियो में।